बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम और फजल से आज हम एक नई ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम चाहने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो असी जनाब अज माखी लाने चले हैं, तो ऐ तुसी देख रहे मेरा मामा जनाब उत्ते मुँह कर रहे तीन लोग यार देख रहे ना उंगली भी खा यार। ये जनाब है देख लो वो बना रहे दूवे देवन वाली होंगी ना, मतलब कि इस टाइम माखी लाया जाता है ठीक है, तो इन मतलब अग ला के थोड़ा दूवा देता है तो फिर मक्खियां जड़ियाँ आदि शहद दियाँ वो पिछे हट जा तो फिर मतलब उस तो बाद माखी उतारा जाता है। असं अज माखी बला खुदा दी असी जनाब साडा पहला एक्सपीरियंस है असी वही वड्डा माखी लाण चले हैं ठीक है ना, और पहली दफा जिंदगी पहली दफा लाण चले हैं ठीक है ना, तो बेने अगे जाके हुण की होंदा लेकिन अपना असी जिहड़ा इंतजाम वो कर रहे हैं ठीक है ना अपने आप नूं बचावण दा, लेकिन ये हुण उत्थे जाके पता चलेगा कि साडे जिहड़े इंस्ट्रूमेंट जिहड़ियां असी चीज़ां बनाईआं ठीक है ना अपनी सेफ्टी लई कि अगे जा काम भी करदीआं कि नहीं करदीआं, तो तुसां वीडियो दे नाल नाल रहणा ताकि अज की वीडियो बड़ी इंट्रस्टिंग होने वाली ताकि थानू भी मजा आए। अगर असी माखी ला लिया तो फिर तो थानू दिखावे, जो अगर ना लाया तो फिर तुम सानू भी क्या फैलनी असी हूँ तैयारी कर ली है देख लो बंदे अपने आप ने मतलब किदा कर लिया ठीक है, तो ऐस दातरी भी चुक ली है, तो ऐस मतलब कि दूवे देवन वाली दूनी भी चुक ली आ, तो डब्बी कितने डब्बी चौकी यार आ चली है हूँ अस जा रहे हैं तो जाके माखी भी असं दिखाने जनाब कि केड्डा वड्डा माखी है, और वड्डा माखी तो पहले ही पता है कि जालम माखी होंगे ठीक है ना, अगर उस वो पिछे लाग जाए ठीक है उस मतलब कि अच्छे तरीके सेफ्टी का अगर इंतजाम ना किए जाए तो जनाब वो उतना तक बंदे की चोट नहीं छड़ता इतना तकर वो मतलब कि बंदे अच्छे तरीके काट नहीं लेता ठीक है, डांग नहीं मार लेता। तो जनाब शहर तो पहले तो मैं तुम्हें माखी भी खाना ठीक है, भाई मैं तो आप डर लग रहा है, मैं तो इतने खिलौना कौन एक मिनट वास्ते भी चलना मैं सब तो पहले माखी लेता के तुम मैं भी खाव माखी। अल्लाह दे बंदे ऐ तुसी देख सकते हैं माखी ठीक है ना, ऐ वेख ये आप देख सकते हैं माखी ठीक है, ये इतना बड़ा माखी है, ते अल्लाह दे बंदे हो मैं तो इस तू खुद डर रहा हूँ, पता नहीं मेरे मामे किदा लाना ते किदा नहीं लाना ठीक है, ये तो हूँ जिस टाइम उस उत्ते चढ़ना ने उस टाइम उन्हें पता लगना कि ये ला भी सकता कि नहीं ला सकता, अपने इंतजाम वैसे कर रहा है लेकिन उनकी कोशिश यही है बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं अज ये माखी ला के छड़ना, मैनू कहना तू थले खड़े आना ठीक है ना, मैं कहना कि मैं भाई थले एक मिनट वास्ते नहीं खलोना ठीक है। ऐ वेखो हूँ जनाब अग उग ला रहे हैं इनू ठीक है, वेखने कि अगे काम भी करती कि नहीं करती है, तुसी देखो जनाब अज वाली वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी ठीक है, तुसां वीडियो दे नाल नाल रहना देखो जनाब देखो ते जनाब है देखो मतलब के गांव का नज़ारा दूर दूर तक घर हैं ठीक है, कोई नज़दीक घर नहीं है, तो जनाब है देखो दूर दूर तक हरियाली हरियाली है ठीक है, बहुत ही वधिया इधर समझो कि बड़ा वधिया जिहा माहौल है ठीक है, तो बड़ा ही मतलब कि प्यारा ए तुसी देखते पे आ लाइव चल रहा बिल्कुल लाइव जनाब, ए देखो किन्ना प्यारा एक मतलब कि इदा समझो कि माहौल आ देखो जनाब, वैसे बदल छाए हुए अज दे मतलब कि सूरज जिहड़ा है वह अज नहीं निकलिया, तो मौसम काफ़ी ठंडा है, दो तीन चार दिन तो काफ़ी गर्मी पै रही थी लेकिन कल तो मौसम जिहड़ा है वह ठंडा हो गया, जिंदी वजह नाल मतलब कि आज थोड़े सुकून है, कल भी सुकून सी आज भी सुकून है लेकिन उस तो दो तीन दिन पीछे अगर चलिया जाए तो पीछे बड़ी गर्मी सी
बहुत गर्मी है। मैं इत्थे 2-3 दिन मतलब कि उस गर्मी च गुजारिया, क्योंकि फिर जमीना भी सी, जमीना तुहानू पता है मन विच बड़ी हबस हुंदी है, ठीक है, तो हबस जिहड़ी हुंदी है फिर वो जिस टाइम निकलदी है ना, अगर हवा ना चल रही हो तो फिर इदा समझो कि वो बंदे जिदा जान निकल रही है, इदा बहुत ही उस टाइम बंदे नू अपने उन्हें मतलब कि उस टाइम बड़ी गर्मी महसूस हुंदी है। फाइनली साडा बंदा जिहड़ा वो तुसीं वेंदे पए ने दूनी हुंदी वैसे काम कर रही है, ठीक है, तो जिहड़ा है वो हुण इस टाइम मतलब कि एक थले असी तो होर भी दूनी लानी है ना, ताकि दूआ जाए उत्ते ते फिर जिहड़ियां मक्खियां माखी दियां शायद दियां वो पिछे हट जावन, ते फिर एक दूनी है आपदे नाल लैके जाएगा ताकि मतलब कि जिहड़ियां मक्खियां नू उन्हां वो इहदे नज़दीक ना आवन, फिर तां ही माखी लाया जाना। लेकिन साडा एक्सपीरियंस पहला है ते वेने अग्गे जा के हुण की हिसाब किताब हुंदा की नहीं हुंदा, ये तो हुण जिस टाइम असीं माखी लाणा इस बंदे माखी जिस टाइम लाणा तो उस टाइम पता लगना कि ला के लाया हुंदा या उत्ते ही रहिंदा या माखी दी मक्खियां इहदा माखी बना देण गया खुद मतलब कि माखी ला के थले आंदा। वैसे अपनी आपकी तरफ पूरी कोशिश कर रहा इस टाइम बंदा बड़ी कोशिश कर रहा, बड़ी कोशिश कर रहा, आहो बड़ी कोशिश कर रहा कि अज माखी मला के छड़ना, इन सारे मतलब के रोक रहन के तू नहीं जाना, लेकिन ये कहंदा कि मैं अज माखी लाना ही लाना है, ये बड़ी रट लाई खला है, ये हुण वेने कामयाब हुंदा कि नहीं हुंदा। असी जनाब हुण जा रहे हैं, ठीक है, दुनिया शू ओए अल्लाह दे बंदे बाकी पाला दूनिया शूनिया का इस्तेमाल अस कर रहे हैं। वो आस में हाँ बाल्टी कितने रखनी आ, बाल्टी फाते मैनू जामण दे हुण भाई। ऐ जनाब फैनली असी माखी दे कोल आ गए, ठीक है, तुसीं देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर तुहानू विखाना, मैं हुण जा रहा जनाब, ये सारा कुछ इसे ही करना है, मैं इस टाइम निकल रहा हाँ इतों, ठीक है मैं जा रहा मैं इस टाइम जा रहा जी, तुहानू लाइव स्ट्रीम मैं दिखा सकता, तुसीं आ वेख सकते आ जनाब के ऐ तुसीं देख सकते आ जनाब, वो देखो बाकी तारण की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं तो फिलहाल दूर चला गया भाई जी तुसी देख सकते हैं भाई, मैनू बहुत डर लगता है ना मक्खियों तू, ये अगर पिछे लग जाए तो पिछे नहीं छड़ दी, हाँ मक्खियां मेरे पिछे लग गई, मैं तो भाई जी चलना, ठीक है देखो मैं तो लुक छुप के घर वापस जा रहा, 2-3 मेरे पिछे लगियां, मैं तो नस गया भाई, दिम हूँ दूसरी तरफों घर जा रहा, मसेर मेरा मंदा पे। यार आज तो बहुत ही बुरा हुआ, माखी लाने के लिए गया था लेकिन माखी जो है वो मिला ही नहीं है, मतलब कि माखी था ही नहीं, माखी जो मक्खियों ने माखी पैदा ही नहीं किया था, तो हमारी जो जितनी भी मेहनत थी वो ज़ाया गई है, तो लेकिन ये है कि फिर अगे इंतज़ार किया जा सकता, अगर वो माखी उड़िया ना उस जगह तो फिर वो नवा माखी बनावेगा, अगर उड़ गया तो फिर मतलब कि बस वो ज़ाया हो जाना, असी बहुत मेहनत की लेकिन साड़ी मेहनत ज़ाया गई है, तो सानू इस वीडियो नाल होनी इजाजत दे वाला नहीं के बाद।